Hello friends, welcome to Pulse Excel. So today in this session we are going to discuss the salt hydrolysis topic from ionic equilibrium chapter. Okay, so this actually salt hydrolysis chapter is really very important from the ionic equilibrium, because basically in this particular chapter we are going to discuss about the hydrolysis part and ionization part. So in order to determine the various kinds of the terms, like the major key point in the salt hydrolysis will be, we need to understand the hydrolysis constant value KH, then ionic product of water KW, KA means acid dissociation constant, KB means base dissociation constant, and the pH value. So we are just supposed to find out the relationship between them. So this is how the salt hydrolysis technique is really important to know the what is the exactly degree of hydrolysis and what is the exactly hydrolysis constant value for the various kinds of the given organic compounds. तो उसके लिए टेक्निक बहुत जरूरी है. तो ये मेजर की पॉइंट्स है कि हमें ये सारी जो वैल्यू है इस पर्टिकुलर टेक्निक से पता चलती है. बट बिफोर स्टार्ट विथ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, एज सुन एज यू हर्ड द वर्ड सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस आप सबको पता होगा. हाइड्रोलिसिस का मतलब वो केमिकल रिएक्शन जिसमें हम लोग वॉटर का पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है. और सॉल्ट का मतलब वो एक्चुअली कंपाउंड जिसमें आपके प्लस एंड द माइनस चार्जेस आर गोइंग टू बी कंबाइन टूगेदर. सो इन शॉर्ट द सॉल्ट हाइड्रोलिसिस इज नथिंग बट द इट इज एक्चुअली प्रोसेस इन विच यूर सॉल्ट ओके हैज टू बी रिएक्ट विद द वॉटर टू गिव बैक द एसिड एंड बेस कंपाउंड, ठीक है. तो उसे यहाँ पर हम लोग बोलते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. सो नाउ जस्ट टेक अ लुक, इफ यू कंबाइन योर सॉल्ट ओके अलोंग विद द वॉटर, देन यू विल गेट एसिड प्लस बेस. सो दिस केमिकल रिएक्शन इज नोन एज वॉट योर स्टूडेंट, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. नाउ दिस सॉल्ट हाइड्रोलिसिस एक्जैक्टली रिवर्स ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन, बिकॉज आपको पता होगा न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में हम लोग जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं. इन द न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस वी आर जस्ट सपोज टू कंबाइन वॉट योर एसिड प्लस बेस, तो ये एसिड प्लस कंबाइन करते एंड देन अगेन इट इज गोइंग टू बी रिवर्स बैक. तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वॉटर. सो इट इज एक्चुअली रिवर्स प्रोसेस ऑफ वॉट यूर न्यूट्रलाइजेशन. सो नाउ फॉर एग्जाम्पल यर यू कैन कंसिडर एज अ सॉल्ट, आई जस्ट कंसिडर द बी ए देन वॉटर, इफ दे कंबाइन टूगेदर सो वॉट यू विल गेट एच ए, दिस इज द एसिड यू विल गेट एंड द बेस बी ओ एच, दैट कंपाउंड यू विल गेट. नाउ नाउ फर्दर मोर डिस्कस अबाउट द सॉल्ट हाइड्रोलिसिस टेक्निक, दीज आर फर्दर हैविंग द टू टाइप्स. एक होता है आपका कैटोनिक हाइड्रोलिसिस एंड अनदर वन विल बी द योर एनोनिक हाइड्रोलिसिस. नाउ दिस इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन द चार्जेस दैट इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाई और एड विद द वॉटर मॉलिक्यूल, बिकॉज नाउ ऑल द सॉल्ट आर कंसिडर एज अ वॉट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बिकॉज दे आयोनाइज कम्प्लीटली इन द एक्वस सोल्यूशन. मतलब एक्वस सोल्यूशन में अगर कोई भी सॉल्ट कम्प्लीटली आयोनाइज अगर होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. सपोज इफ यूर एसिड एच ए जो हम लोग यहाँ पे कंसिडर करें दैट इज प्रोड्यूस द स्ट्रॉन्ग एंड बेस जो है हमारा हम लोग कंसिडर करते हैं एज अ स्ट्रॉन्ग बेस, सो दे प्रोड्यूस इज अ वीक. सो वी कैन राइट द अबव इक्वेशन. तो हम लोग यहाँ पे अबव इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं इन द केस ऑफ दिस. सो हियर द बी प्लस, बिकॉज बी ए का मतलब है यहाँ पे सॉल्ट, तो यहाँ पे बी हुआ प्लस और एक हुआ आपका यहाँ पे ए माइनस. तो अगर ये बी प्लस जो है इफ इट इज गोइंग टू बी कंबाइन विद द वॉटर मॉलिक्यूल, ठीक है, सो वॉट यू विल गेट हियर अगेन एच प्लस along with the BOH. तो ये हमें यहाँ पे हाइड्रोलिसिस मिलेगा. सो दैट वॉट इट इंडिकेट थर्स इन दिस पर्टिकुलर केस यूर कैटायन रिएक्ट विथ वॉट यूर वॉटर मॉलिक्यूल टू गिव एन एसिडिक सोल्यूशन, बिकॉज यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है एच प्लस आयंस यहाँ पे हमें जनरेट हो रहा है. सो दिस काइंड ऑफ द प्रोसेस इज नोन एज स्टूडेंट वॉट यूर कैटोनिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है. अब हम लोग एनायनिक हाइड्रोलिसिस की अगर बात करें तो यहाँ पर हमारा सेकेंड एनायन कौन सा है ए माइनस. तो अगेन ए माइनस फिर से अगर हम लोग वाटर के साथ कंबाइन करते हैं, सो लुक व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन. सो हियर यू विल गेट एच ए अलोंग विद द व्हाट हियर ओ एच माइनस, बिकॉज वाटर में हमारा एक एच प्लस होता है ओ एच माइनस होता है, तो ये नेगेटिव है तो ये कंबाइन किसके साथ होगा प्लस के साथ. तो हमें यहाँ पे मिला एच ए अलोंग विद ओ एच, तो यहाँ पे देखो ओ एच माइनस अगेन इट गिव द बेसिक सोल्यूशन. सो हियर यूर एनायन रिएक्ट विद द वॉटर टू गिव द वॉट यूर बेसिक सोल्यूशन. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज स्टूडेंट फॉर एनायनिक हाइड्रोलिसिस. सो दिस इज हाउ डिपेंडिंग अपॉन द एनायन एंड कैटोनिक पार्ट वेयर दे कंबाइन विद द वॉटर सो वॉट थिंग्स यू विल गेट. तो हियर एच प्लस एंड ओ एच माइनस अगेन द वॉटर मीन्स हाइड्रोलिसिस. सो दिस इज वॉट यूर कैटोनिक एंड द एनायनिक हाइड्रोलिसिस. सो द सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ओके हियर मे बी डिफाइन एज द रिएक्शन ऑफ कैटायन एंड द एनायन ऑफ द सॉल्ट विद द वॉटर to produce the acidic and the basic solution, means what your student salt hydrolysis. So I hope so now you should understand completely what is the meaning of salt hydrolysis. Now moreover talking about the now what is actually different kind of the salt and their combination according to their hydrolysis part, that we'll see in the four categories.
अब ये फोर कैटेगरी स्टूडेंट कौन सा है, इसमें सबसे फर्स्ट कैटेगरी वो है यहाँ पे सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड द स्ट्रॉन्ग बेस. ओके, सेकेंड इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड द स्ट्रॉन्ग बेस. थर्ड इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड द वीक बेस. एंड फोर्थ वन विल बी सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस. नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हेन द क्वेश्चन इज गोइंग टू बी कमिंग टू द एग्जाम, सो हाउ यू पीपल आर रिमेंबर कि इसमें से हमारा कौन सा सॉल्ट का कॉम्बिनेशन है. तो उसके लिए यहाँ पर मैं डेफिनेटली आपको एक ट्रिक प्रोवाइड करूंगी. सो डेफिनेटली दिस लेक्चर इज रियली हेल्पफुल फॉर यू फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन. सो नाउ जस्ट टेक अ लुक, दीज आर द एक्चुअली एग्जाम्पल फॉर द व्हाट यू आर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. सो सपोज देर इज एनी कंपाउंड लाइक NaCl, NaNO3, सोडियम सल्फेट, KCl, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट एक्सेट्रा. सो दीज आर द एक्चुअली पार्ट ऑफ व्हाट यू आर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. सिमिलरली वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए दीज आर द एग्जाम्पल सोडियम एसिटेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, देन सोडियम फॉस्फेट. सिमिलरली सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, सॉरी वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए एग्जाम्पल है अमोनियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, देन एल्यूमिनियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड. एंड देन सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड द वीक एसिड, what your acetate means ammonium acetate, then aluminium phosphate, ammonium carbonate. So these are the example. अब हमें question में अगर ये given compound होता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये salt of weak acid है, strong base है या फिर strong acid है, strong base है. तो इसके लिए हमें क्या करना है, whatever the given compound is given to you, उसका आपको water के साथ chemical reaction justify करना है. ठीक है, अगर वो water के साथ completely ionizable है, अब यहाँ पे देखो हमारा कोई भी अगर salt है, इसमें अगर हम लोग वाटर करते तो अगर उसका 100% आयोनाइजेशन होता है, अगर दे कम्प्लीटली डिजॉल्व केमिकल रिएक्शन, तो उसे हम लोग यहाँ पर बोलते हैं आयोनाइजेशन. मतलब दे प्रोवाइड द प्लस एंड द माइनस आयन्स. ठीक है, मतलब कैटाइन एंड एनायन इफ दे प्रोवाइड द आयोनाइजेशन बोलते हैं उसे हम लोग. ठीक है, एंड द रिवर्स मतलब अगर ये कम्प्लीटली होता है तो उस प्रोसेस को यहाँ पर पटे. तो यहाँ पे डेफिनेशन में आपको एक बात याद रखना है कि आयोनाइजेशन हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है. और अगर फिर से हमें वाटर यहाँ पे प्रोवाइड करता है लाइक दिस एच प्लस एंड द OH माइनस, तो वो पार्ट हुआ यहाँ पे आपका हाइड्रोलिसिस. तो ये हुआ अगर वो कम्प्लीटली आयोनाइज हो रहा है तो आयोनाइजेशन. वो फिर से अगर हमें वाटर प्रोवाइड कर रहा है सॉल्यूशन में एसिडिक एंड द बेसिक सॉल्यूशन, तो उसे प्रोसेस को यहाँ पर हम लोग बोलेंगे हाइड्रोलिसिस. सो नाउ जस्ट टेक अ लुक इट कि इसमें से कौन सा रिएक्शन हमें ओनली आयोनाइजेशन देने वाला है और हाइड्रोलिसिस देने वाला है. सो जस्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जाम्पल फॉर द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड द स्ट्रॉन्ग बेस. सो दिस इज द वॉट यूर NaCl कंपाउंड. तो NaCl को अगर मैंने वॉटर में कंबाइन कर दिया H2O में, तो क्या होगा. अब नाउ जस्ट टेक अ लुक, मेरे पास कंपाउंड है NaCl. Na प्लस होता है हमेशा, Cl माइनस होता है. इसमें मैंने क्या ऐड किया, वाटर. तो H प्लस है मेरे पास, OH माइनस है. तो हम लोग ने पहले एनायंस कैटायन, तो प्लस माइनस कंबाइन होगा. ऑलवेज अपोजिट चार्जेस आर गोइंग टू बी अट्रैक्ट टू ईच अदर. तो Na किसको अट्रैक्ट करेगा, OH माइनस. H प्लस किसको अट्रैक्ट करेगा, Cl माइनस. तो वॉट कंपाउंड फाइनली यू विल गेट हियर, द NaOH प्लस HCl. नाउ यू कैन सी द एग्जाम्पल NaOH एंड HCl, दिस बोथ आर द एक्चुअली स्ट्रॉन्ग बेस एंड दीज आर द एक्चुअली वॉट स्ट्रॉन्ग एसिड. सो दैट्स व्हाई दिस इज एक्चुअली सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. सो NaCl गिव्स मी अ NaOH एंड HCl. नाउ द क्वेश्चन की इसमें से हाइड्रोलिसिस और आयोनाइजेशन किसका हो? तो ये हुआ अभी आपका यहाँ पे कि NaCl H प्लस OH माइनस. सो दिस इज वॉट यूर आयोनाइजेशन. सो इट इन्वॉल्व ओनली द आयोनाइजेशन, बिकॉज यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, Na प्लस OH माइनस और HCl. बट अगेन हमें वॉटर यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं, तो वो भी हमें यहाँ पे अगेन देखना है. सो नाउ नो हाइड्रोलिसिस, बिकॉज फर्दर इन द रिजल्टिंग सोल्यूशन एच प्लस जो आयन से हमारे एंड द ओ एच माइनस उनका कॉन्सेंट्रेशन सिमिलर है. सो योर सोल्यूशन इज गोइंग टू बी कम्प्लीटली न्यूट्रल, बिकॉज ये कम्प्लीटली आयोनाइज हो रहा है. तो फिर से अगर हम लोग इसको NaOH को अगर वाटर से कंबाइन करें या फिर HCl को अगर हम लोग अगर वाटर से कंबाइन करें, तो आपका यहाँ पे रिएक्शन नहीं जाता है. ठीक है, सो दैट्स व्हाई दिस सोल्यूशन विल बी कंसिडर एज अ वॉट स्टूडेंट, न्यूट्रल इन नेचर, बिकॉज यहाँ पर एच प्लस इज इक्वल टू एग्जैक्टली ओ एच माइनस आयन. सो इट कैन बी जनरलाइज दैट द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड द स्ट्रॉन्ग बेस डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस. वॉट डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, दे जस्ट प्रोवाइड यू द आयोनाइजेशन फॉर, बिकॉज द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज गोइंग टू बी न्यूट्रल इन नेचर. सो आई होप सो नाउ यू पीपल आर कम्प्लीटली अंडरस्टैंड द आयोनाइजेशन एंड हाइड्रोलिसिस मीनिंग. अब हम लोग सेकेंड यहाँ पे एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन में. ठीक है, अब यहाँ पे फिर से हमें देखना है कि आयोनाइजेशन और हाइड्रोलिसिस पार्ट. तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग करते हैं सोडियम एसिटेट को कंसिडर. अब यहाँ पे देख लीजिए, सोडियम जो एसिटेट है मैंने वॉटर के साथ कंबाइन किया, फिर से ये नेगेटिव है, प्लस है, एच प्लस ओ एच माइनस. वॉट वी विल गेट यर, CH3C डबल बॉन्ड O, नेगेटिव चार्ज कंबाइन विद H प्लस, यू विल गेट एसिटिक एसिड एंड NaOH. अब यहाँ पे देखो NaOH जो है, दिस इज एक्चुअली एग्जाम्पल ऑफ व्हाट स्ट्रॉन्ग बेस है. एसिटिक एसिड जो मिलेगा आपका वो एग्जाम्पल किसका है, आपका वीक एसिड का एग्जाम्पल है. वॉट दिस इज द वीक एसिड एंड दिस इज नाउ वॉट यूर स्ट्रॉन्ग बेस. नाउ अगेन इफ यू लुकिंग एट द चार्जेस,
मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव. सो दिस इज द नेगेटिव, दिस इज द एन ए प्लस कम्बाइंड विद द वॉटर, सो यू विल गेट एसिटिक एसिड एंड एन ए प्लस ओ एच माइनस. तो यहाँ पे जो जनरेट हो रहा है वो क्या हो रहा है, यू जनरेटिंग द बेसिक सोल्यूशन ओवर हियर अकॉर्डिंग टू दिस गिवन केमिकल रिएक्शन. तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, बेसिक सोल्यूशन का प्रोवाइड करें. सो दैट्स वाई दिस काइंड ऑफ द सोल्यूशन ओके और सॉल्ट एक्ट एज ए जनरली वॉट हियर अल्कलाइन इन नेचर. वॉट अल्कलाइन इन नेचर, तो ये सोल्यूशन जो होता है बेसिक होता है ठीक है. तो ये यहाँ पे हमें याद रखना है. तो जनरली यहाँ पे क्या होगा, अगर हम लोग सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड एन ए कंसिडर करते हैं तो हमें कैटायंस कौन से मिले, सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ए और एन ए प्लस मिला. तो एन ए आगे जाके अगर वॉटर के साथ फिर से हमें देखना है कि ये प्रोवाइड रिएक्शन हो रहा है कि नहीं, तो ये हमें चेक करना है कि वाटर के साथ आगे जाके इनका रिएक्शन होगा कि नहीं. तो यहाँ पे अगेन आपको क्या मिलेगा, सी एस थ्री. बट यहाँ पे आप अगर देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, फिर से स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा, मतलब एनएओएच और एच प्लस मिलेगा. सो दिस इज हाउ वी नीड टू सी कि इसमें हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हो रहा है या नहीं ठीक है. अब नेक्स्ट रिएक्शन स्टूडेंट देखो, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड द वीक बेस. सो दीज आर द एग्जाम्पल. सो वी गो विद द फर्स्ट एग्जाम्पल, अमोनियम क्लोराइड कंबाइन विद द वॉटर, यू विल गेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड एससीएल. अगर हम लोग चार्जेस के बारे में बात करें, NH4Cl- वाटर के साथ कंबाइन किया NH4OH, H+ एंड द Cl-, तो Cl- तो आगे जाके आपको हाइड्रोलिसिस रिएक्शन नहीं देता है ठीक है, बिकॉज अगेन यू जनरेट द HCl. तो यहाँ पे हमें क्या मिला, H+, तो एसिडिक सॉल्यूशन हमें यहाँ पे मिला. सो एज इट प्रोड्यूसेस द H+ आयंस इन द सॉल्यूशन करेक्ट, सो थर्ड सॉल्यूशन विल बी एंड दिस सॉल्ट विल बी एक्ट एज अ वॉट हियर एसिडिक इन नेचर. तो ये जो गिवन कंपाउंड है ये यहाँ पर क्या है, एसिडिक इन नेचर है, बिकॉज आउट ऑफ द टू एक्चुअली अनायंस मीन्स कैटायंस ऑफ द अनायंस व्हेन दिस एनएच फोर अगेन कंबाइन विद द वॉटर, तो आपको यहाँ पे फिर से क्या मिलने वाला है, एनएच फोर ओ एच मिलेगा और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको स्टूडेंट, एच प्लस आयन फिर से क्या होगा आपको यहाँ पे जनरेट होगा. और सीएल का तो रिएक्शन फिर से क्या होगा, कंबाइन होगा वाटर के साथ, तो यू विल गेट अगेन द एच प्लस मतलब एच सी एल मिलेगा. सो दिस इज आउट, तो हमें देखना है कि यहाँ पे वाटर के साथ क्या रिएक्शन हो रहा है ठीक है. एंड द लास्ट टाइप है यहाँ पे सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड द वीक बेस. एग्जाम्पल विल बी अमोनियम एसिडेट कंबाइन विद द वॉटर, एसिडिक एसिड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड. अब बोथ आर द वीक एसिड एंड द वीक बेस कॉम्बिनेशन. सो इफ आई एम कंसिडर नाउ मीन्स आयन्स फ्रॉम द गिवन कंपाउंड, सो एसिटेट एन आयन एंड अमोनियम, मतलब ये कैटायन मिला एन एच फोर प्लस वाटर के साथ कंबाइन किया, तो हमें देखो फिर से ही वही मिल रहा है वीक एसिड एंड द वीक बेस, मतलब ये वाटर के साथ रिएक्शन जनरली क्या देगा, न्यूट्रल इन नेचर. तो यहाँ पे क्या हम लोग कर सकते, मान सकते, द रिजल्टिंग सोल्यूशन इन्वॉल्व बोथ एनोइनिक एज वेल एज वॉट यूर कैटोइनिक हाइड्रोलिसिस, जो मैंने यहाँ पे अबाउ दिखाया था. तो यहाँ पे आपके दोनों हो रहे, कैटोइनिक हाइड्रोलिसिस भी हो रहा है और एनोइनिक हाइड्रोलिसिस भी यहाँ पे हो रहा है. सो थर्स द रिजल्टिंग सोल्यूशन मे बी न्यूट्रल और स्लाइटली एसिटिक और स्लाइटली बेसिक डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव डिग्री ऑफ द आयोनाइजेशन ऑफ वॉट यूर वीक एसिड एंड द वीक बेस प्रोड्यूस. सो दिस इज द एक्चुअली एग्जाम्पल ऑफ वॉट यूर वीक एसिड एंड द वीक बेस, हिन्स द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज कंसिडर्ड एज अ वॉट यूर स्टूडेंट न्यूट्रल इन नेचर ठीक है. सो दीज आर द एक्चुअली ऑल आर द सॉल्ट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर व्हाट, हाइड्रोलिसिस एंड द आयोनाइजेशन ठीक है. सो आई होप सो ना यू पीपल आर अंडरस्टैंड कंप्लीटली. नाउ इन द सॉल्ट हाइड्रोलिसिस द नेक्स्ट पार्ट विल बी यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द हाइड्रोलिसिस कॉन्स्टेंट, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वॉटर एंड द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, वो भी तो हमें करना है. सो जस्ट टेक अ लुक नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट यू कैन टॉकिंग अबाउट द हाइड्रोलिसिस कॉन्स्टेंट पार्ट. नाउ ओवर हियर हाइड्रोलिसिस कॉन्स्टेंट जनरली एब्रीवेटेड एज अ के एच सिंबल. तो हाइड्रोलिसिस का यहाँ पे जनरल हम लोग पहले रिएक्शन स्टडी करते हैं एंड बेस ऑन दैट रिएक्शन देन वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज द हाइड्रोलिसिस कॉन्स्टेंट. सो दिस इज जनरल बेसिक रिएक्शन दैट दिस इज द योर सॉल्ट कंबाइन विद द वॉटर एंड यू विल गेट हियर द वी मतलब एसिड एंड द बेस दैट यू विल गेट. सो दिस इज द जनरल केमिकल रिएक्शन. नाउ पर्टिकुलर दिस केमिकल रिएक्शन यू नीड टू अप्लाई द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. तो अगर हम लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पे इस केमिकल रिएक्शन के लिए कंसीडर किया तो हमें क्या मिलने वाला है, सो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट. ओके सो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच है मल्टीप्लाई विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी ओ एच डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट आपका होगा बी ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वॉटर ठीक है. बट नाउ सिंस वॉटर जो है इज प्रेजेंट इन वेरी लार्ज एक्सेस अमाउंट इन द एक्वस सोल्यूशन, सो देयरफॉर थस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वॉटर इज कम्प्लीटली नेग्लिजिबल और वी कैन कंसिडर एज अ कॉन्स्टेंट दिस एक्चुअली वॉटर पार्ट. सो इफ आई नीड टू निग्लेक्ट दिस टर्म तो फाइनली जो हमें इक्वेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, द एच ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी ओ एच डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी ए एंड दिस पर्टिकुलर टर्म इज बेसिकली नोन एज वॉट यूर स्टूडेंट द हाइड्रोलिसिस कॉन्स्टेंट, मतलब दिस इज नथिंग बट द वॉट यूर के
एच टू ओ, तो इसको हम लोगों ने निगलेक्ट किया तो ये हुआ के एच टर्म, तो इसे ही हम लोग पर स्टूडेंट हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस कॉन्स्टेंट। नाउ फर्दर विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोलिसिस कॉन्स्टेंट, वन मोर टर्म इन द सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, दैट विल बी द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। सो अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस देर विल बी द अगेन टू सिम्बॉल वी जनरली यूज, जनरली सम ऑफ द बुक रेफर एज अल्फा एज अ सिम्बॉल फॉर द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, सम ऑफ द बुक रेफर एज अ स्मॉल लेटर एच फॉर द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। सो आइदर यू कैन यूज एनी वन, आइदर यू गो विद द अल्फा और आइदर यू गो विद द एच। तो यहाँ पर मैंने अल्फा कंसिडर किया है फॉर द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो जनरली डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस स्टूडेंट आपका यहाँ पे क्या होता है, इट इज एक्चुअली फ्रैक्शन ऑफ वॉट यूअर टोटल मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट हाइड्रोलाइज, मतलब कितना सॉल्ट हाइड्रोलाइज हो रहा है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्ट टेकन, मतलब हम लोगों ने कितना सॉल्ट लिया हो उसमें से कितना सॉल्ट हाइड्रोलाइज हो रहा है, अगर उसका हम लोग फ्रैक्शन निकालते तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, जनरली डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस मिलता है। नाउ ओवर हियर द क्वेश्चन इज दैट एक्सप्रेशन फॉर द हाइड्रोलिसिस कॉन्स्टेंट, ओके, एंड द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस मीन्स द अल्फा एंड द पीएच for solution of the different types of the salt in terms of their dissociation constant of the weak acid and the weaks is going to be involved and that you can see from the following chart। ठीक है, अब इस चार्ट में हम लोग जनरली टाइप देखते हैं, फर्स्ट आपका सॉल्ट टाइप है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, देन हम लोग कंसिडर करेंगे वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस एंड फाइनली वीक एसिड एंड वीक बेस। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि मैम आपने फोर टाइप बताए थे तो इसमें से आप लोगों ने फर्स्ट टाइप को क्यों कंसिडर नहीं किया। ठीक है, तो वेन एवर वी कंसिडर द एनी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस और द हाइड्रोलिसिस कॉन्स्टेंट वैल्यू, तो यहाँ पे सॉल्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस आपको आगे जाके हाइड्रोलिसिस नहीं प्रोवाइड करा है, तो यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेशन देखना है, एक्सप्रेशन किसके लिए निकालना है, हाइड्रोलिसिस कॉन्स्टेंट और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस के लिए। अगर यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो ही नहीं रहा है तो ये यहाँ पे क्या पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है, सो दैट द फर्स्ट पार्टी इज गोइंग टू बी कंप्लीटली निगलेक्टेड बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो ही नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ क्या होता है आपका, इन दिस पर्टिकुलर सॉल्ट ओनली द आयोनाइजेशन इज गोइंग टू बी प्रेजेंट। ठीक है, वेयर इज बिलो दिस थ्री टाइप आपका आयोनाइजेशन भी है और आपका हाइड्रोलिसिस भी हो रहा है। ओके, तो वो यहाँ पे हमें प्रॉपरली चेक करना है। सो नाउ जस्ट टेक अ लुक, वी स्टार्ट विद योर फर्स्ट एग्जाम्पल, तो इसके एक्चुअली डेरिवेशन पार्ट भी है, सो वी जस्ट सपोज टू निगलेक्ट दैट। हमें फाइनल एग्जाम में फॉर्मूला याद रखना है टू मेक द फाइनल न्यूमेरिकल्स, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जो जरूरी डेटा वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, ओनली वन ऑफ द एक एग्जाम्पल मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगी फिर भी कि वो कैसे आ रहा है। अब फर्स्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे मैं ट्रिक बता रही हूँ आपको, क्योंकि आपको हमेशा शॉर्ट ट्रिक यू रिक्वायर्ड फॉर द फाइनल एग्जाम बिकॉज इतना टाइम नहीं होता पूरा सॉल्व करने के लिए। तो अभी यहाँ पे देखो, जब भी आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का कॉम्बिनेशन होगा तो आपका जो हाइड्रोलिसिस कॉन्स्टेंट वैल्यू है जो के एच है वो हमेशा क्या होगा, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय जो वीक पार्ट है ना, वीक पार्ट उसका ही आपको डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट कंसिडर करना है। तो यहाँ पर मैंने लिया के बी बिकॉज वीक कौन सा आपका बेस, तो यहाँ पर मैंने लिया बेस डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, तो ये वो आपका हाइड्रोलिसिस कॉन्स्टेंट। सेकेंड, अब यहाँ पे देखो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों में से कॉम्बिनेशन में सॉल्ट में वीक कौन है, वीक एसिड है कि नहीं, तो इसको हम लोग बिलो लेंगे के ए, तो के एच क्या होगा के डब्ल्यू अपॉन के ए। बट अब जब आपके पास कॉम्बिनेशन में दोनों वीक ही है, एसिड और बेस बोथ आर वीक, तो हाइड्रोलिसिस कॉन्स्टेंट में हम लोग को दोनों भी कंसिडर करना है, द एसिड डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट एंड द बेस डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, सो के डब्ल्यू डिवाइडेड बाय के एंड के बी। आई होप सो नाउ दिस ट्रिक इज रियली हेल्पफुल टू यू। सो हाइड्रोलिसिस कॉन्स्टेंट फॉर द स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के लिए क्या होगा, के डब्ल्यू अपॉन के बी, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए क्या होगा, के डब्ल्यू अपॉन के ए, वीक एसिड और वीक बेस के लिए क्या होगा, के डब्ल्यू अपॉन के बी। मतलब यहाँ पे आपको वीक पार्ट को कंसिडर करना है, वेदर इट्स अ एसिड एंड वेदर इट्स अ बेस, वही आपको लेना है किसके लिए, हाइड्रोलिसिस कॉन्स्टेंट के लिए। सो आई होप सो यू पीपल आर रिमेम्बर द फॉर्मूला। अब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस आपको कैसे निकालना है वो देख लीजिए, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस मतलब अल्फा, आइदर यू कैन टेक एच, उसका फॉर्मूला यहाँ पे जनरली होता है स्टूडेंट स्क्वेयर रूट ऑफ के एच, मतलब जो आपका हाइड्रोलिसिस कॉन्स्टेंट होगा डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन। तो जब आप हाइड्रोलिसिस कॉन्स्टेंट वैल्यू को डिवाइड करते हो कॉन्सेंट्रेशन टर्म के साथ तो आपको यहाँ पे क्या मिलता है स्टूडेंट, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे स्क्वेयर रूट लेना मत भूलना, स्क्वेयर रूट ऑफ के एच अपॉन सी, ये सारे सॉल्ट के लिए एप्लीकेबल है। अब यहाँ पे देखो के एच जो है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के लिए हमें पता है दैट इज के डब्ल्यू अपॉन के बी, पुट द वैल्यू के एच तो आपको मिलेगा के डब्ल्यू अपॉन के बी मल्टीप्लाई विद द सी अल्फा फॉर दिस सॉल्ट। अब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए क्या मिलेगा, के डब्ल्यू अपॉन के मल्टीप्लाई विद द सॉल्ट, के डब्ल्यू अपॉन के अपॉन के बी। अब फाइनली जो है कॉम्बिनेशन आपका वीक एसिड एंड वीक बेस में, तो यहां पर आपको अल्फा में कॉन्सेंट्रेशन टर्म नहीं मिलता है, सो नाउ इंस्टेड ऑफ दिस एक्चुअली अल्फा वैल्यू, यहाँ पे आपको अल्फा वैल्यू क्या मिलेगा फॉर दिस कॉम्बिनेशन, यूअर के एच जो होता है
इट इज डायरेक्टली इज इक्वल टू वॉट एच स्क्वेयर, मतलब जो आपका अल्फा जो होता है इट इज द स्क्वेयर रूट ऑफ ओनली द के एच, मतलब ओनली द हाइड्रोलिसिस कॉन्स्टेंट। तो इसके लिए हम लोगों ने सिर्फ के एच का वैल्यू यहाँ पर डाल दिया। तो अब ये क्यों हो रहा है वो भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। नाउ नेक्स्ट टिप है यहाँ पे पीएच हमें देखना है, ओके पर्टिकुलर सॉल्ट के लिए। तो सॉल्ट के लिए ट्रिक बताऊंगी, अगर आपका पीएच लेस देन 7 है और पीएच आपका ग्रेटर देन 7 है, ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको याद रखना है, वेदर पीएच लेस देन 7 और पीएच ग्रेटर देन 7, डिपेंडिंग ऑन नाउ दिस क्राइटेरिया यू नीड टू सी द वेरियस पीएच फॉर्मूला फॉर द वेरियस काइंड्स ऑफ द सॉल्ट। जैसे फर्स्ट कॉम्बिनेशन आपका स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, तो यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग मैंने क्या बोला है एसिड बोला है, वीक मैंने क्या बोला है बेस बोला है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। सो पीएच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो नेगेटिव टर्म है क्योंकि आपका यहाँ पे क्या है वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग क्या है आपका एसिड है, तो वीक बेस होने की वजह से यहाँ पे बेस हमेशा क्या होता है आपका मोर देन, मतलब 7 से आगे होता है, 7 to 14 आपका रेंज है, ठीक है। तो इसके लिए सारे टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके नेगेटिव हो जाएंगे। सो 7 माइनस हाफ पी के भी हाफ लॉग सी होगा, और जब आपका वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है, अब यहाँ पे देखो आपका वीक क्या है यहाँ पे एसिड है और स्ट्रॉन्ग कौन सा आपका बेस है, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे पॉजिटिव साइन को कंसिडर, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन सा आपका बेस है ना, तो बेस का मतलब क्या है 7 to 14 आगे जा रहे हो, तो इसके लिए यहाँ पे आपका पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है मतलब 7 के नीचे जा रहे हो, मतलब पीएच लेस देन 7, यहाँ पे आपका पीएच क्या होगा ग्रेटर देन 7, ठीक है, तो यहाँ पे साइन होगा प्लस, यहाँ पे साइन आएगा नेगेटिव, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है स्टूडेंट। और यहाँ पे क्या होगा के एन के बी बोथ आर यहाँ पे कंडीशन क्या है आपका इक्वल है पीके बी एंड पीके, तो यहाँ पे जनरली क्या साइन होगा प्लस, ओके इन दोनों का साइन यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव होगा। सो दीज थिंग्स यू नीड टू रिमेम्बर, ठीक है, वेन एवर वी कंसिडर। तो यहाँ पे पीएच के लिए हमेशा हमको क्या कंसिडर करना है कि दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन है, वेदर एसिड और वेदर इट्स अ बेस। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्केल कौन सा होगा आपका 1 to 7, मतलब बिलो है तो नेगेटिव आएगा। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है स्केल कौन सा होगा अबव होगा 7 के बाद वाला, मतलब 7 to 14, सो पीएच ग्रेटर देन 7 तो प्लस साइन रहेगा, दैट्स इट सिंपल। तो मतलब 7 के यहाँ पर जाओगे 14 तक तो प्लस, बिलो आओगे 7 to 1 तो नेगेटिव, सो यहाँ पे नेगेटिव साइन पीएच में और यहाँ पे आपका पॉजिटिव साइन लगा। आई होप सो नाउ दिस ट्रिक इज रियली एप्लीकेबल, तो ये आपको ऐसे फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पे दोनों आपके क्या है सिमिलर टर्म होते, तो दिस विल बी द नेगेटिव कंसिडर एंड दिस इज द 7 प्लस और यहाँ पे नेगेटिव साइन होगा, ठीक है। सो नाउ लेटर ऑन वी जस्ट गोइंग टू सी द कि आपको ये वैल्यू कैसे मिल रहा है, सिर्फ एक ही मैं आपको बताऊंगी सॉल्व करके सो दैट आपको फाइनली वो याद रहे। तो हम लोग स्टार्ट करते पहले तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए मैं बताती हूँ सो दैट यू शुड कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। तो नाउ सी जस्ट टेक अ लुक, सो हम लोग आप यहाँ पे कंसिडर करते हैं वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। अब यहाँ पे हम लोग पहले जनरली कोई भी केमिकल रिएक्शन कंसिडर करते हैं कि बी ए मैंने लिया प्लस यहाँ पर मैंने सॉल्ट लिया, मतलब ये मेरा सॉल्ट है, ठीक है। अब ये जो सॉल्ट है मेरा रिएक्ट किसके साथ होगा वाटर के साथ होगा, तो फाइनली मुझे रिएक्शन में केमिकल क्या मिलेगा बी ओ एच मिलेगा प्लस मुझे एच ए मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जब हमें ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे मिल रहा है तो इसमें हमारा जो सॉल्ट है ये बी ए, इसमें चार्जेस क्या है बी प्लस ए माइनस H प्लस वाटर है ओ एच माइनस, कंबाइन किया मैंने तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा B प्लस प्लस ओ एच माइनस प्लस एच ए मिलेगा। अगर मैंने A माइनस को कंबाइन किया वाटर के साथ तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे स्टूडेंट ओ एच माइनस और एच ए मिलेगा। सो दिस इज आउ, मतलब ये कैटोनिक हाइड्रोलिसिस, ये वो आपका एनोइनिक हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस कॉन्स्टेंट जनरली हम लोग क्या करते हैं कंसिडर करते हैं फॉर द केमिकल रिएक्शन, सो के एच आपको यहाँ पे क्या मिलेगा फॉर दिस अबाव रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओ एच माइनस एच है डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ए माइनस, वाटर को हम लोग निग्लेक्ट करते, सो दिस इज वॉट यू विल गेट हियर। तो ये यहाँ पे जनरली क्या हो रहा है हम लोगों ने क्यों एनायनिक हाइड्रोलिसिस को यहाँ पे कंसिडर किया, बिकॉज वेन वी कंबाइन द कैटोनिक बी प्लस ये कंबाइन किसके साथ हो रहा है ओ एच माइनस के साथ, तो यहाँ पे एच ए जो आपको मिलेगा ये आपका क्या है पार्ट है वीक है, वेयर द बीओएच आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपको कंसिडर करना है कि आपका सॉल्ट आपको गिवन कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो हम लोग उसके साथ नहीं जाएंगे, हम लोग किसके साथ जाएंगे जो हमारा यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है एनायनिक हाइड्रोलिसिस के साथ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि हमें क्या दिया है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कंसिडर करना है ना, तो वो सॉल्ट देखना है। अब के एच यहाँ पे मिला तो इसका अगर एग्जाम्पल भी हमें देखना है तो ये देख लीजिए वीक एसिड एंड वॉट स्ट्रॉन्ग बेस, एग्जाम्पल है हमारा सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड एन ए वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, देखो सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एन ए प्लस, फिर से वाटर डालो देखो कौन सा हाइड्रोलिसिस पार्ट हो रहा है, तो इसमें आपको मिलेगा सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच वीक एसिड
और यहाँ पे देखो वाटर में से एक एन ए किसके साथ कंबाइन होगा, इसके साथ ओ एच माइनस के साथ, तो एन ए एच आपका क्या है, स्ट्रांग बेस है। तो स्ट्रांग बेस तो आगे जाके आपको हाइड्रोलिसिस नहीं मिलता है, तो हाइड्रोलिसिस किसका होगा, वीक पार्ट का ही होगा। ठीक है, तो ये ऐसे हमें यहाँ पे कंसिडर करना है। अब आगे जाके ये यहाँ पर हमें के एच मिला, वंस वी विल गेट द के एच, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, जो हमारा एच ए जो है वीक एसिड जो है उसका मुझे डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट भी निकालना है, तो एच ए का इक्विलिब्रियम क्या होगा, पहले तो एच प्लस और ए माइनस हमें यहाँ पे मिलेगा। सो एसिड डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट क्या होगा इसका, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए माइनस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच ए। सो दिस फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कंसिडर। अब आयोनिक प्रोडक्ट जो वॉटर है के डब्ल्यू, वो हमेशा क्या होता है, इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एच प्लस एंड द ओ एच माइनस, सो दिस इज द इक्वेशन नंबर टू। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर जो हमारा वन है क्या करना है, के डब्ल्यू अपॉन के ए लेना है, मतलब जो आपका आयोनिक प्रोडक्ट जो वॉटर है उसको आपको क्या करना है, इक्वेशन जो वन मिला है आपको के उसे आपको डिवाइड करना है। सो नाउ लेट अस सी, अब के डब्ल्यू आपका यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, एच प्लस है और ये ओ एच माइनस है, डिवाइडेड बाय के क्या है यहाँ पर स्टूडेंट, एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वॉट ए माइनस। अब एच ए यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में है, तो ये यहाँ से अगर ऊपर जाएगा तो सिर्फ हम लोगों ने रीअरेंज किया। अब सिमिलर टर्म एच प्लस गेन कॉन्सल, तो यहाँ पे सिर्फ हमें क्या मिलेगा, के डब्ल्यू अपॉन के इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच ए डिवाइडेड बाय ए माइनस। अब अगर ये टर्म आप देखते हो इक्वेशन नंबर थ्री मैच करो, दैट इज एक्जैक्टली इक्वल टू वॉट यूर दिस अबाव इक्वेशन, मीन्स हाइड्रोलिसिस कॉन्स्टेंट, बोथ आर सिमिलर, सो दिस इज नथिंग बट द के एच है। सो दिस इज हाउ यू विल गेट द वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जो कॉम्बिनेशन है उसके लिए जो आपको के एच यहाँ पे देखो क्या मिला है, सो दैट इज वी सॉल्व ओवर हियर, दैट के एच इज इक्वल टू वॉट के डब्ल्यू अपॉन के ए। ठीक है, के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन के, तो एक्सप्रेशन ऐसे हमें यहाँ पे मिला। अब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस के लिए भी हम यू नीड टू सॉल्व एंटायर इक्वेशन एंड द पी एच वैल्यू ऑल्सो। ठीक है, आई होप सो ना यू पीपल आर अंडरस्टैंड द ओवरऑल। तो हमें सिर्फ फाइनल स्टूडेंट किसके लिए फोकस करना है कि हमारे न्यूमेरिकल्स क्या है। ठीक है, सो ना वंस यू नो द, हम लोग अभी यहाँ पे कुछ सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, टेस्ट यूर सेल्फ क्वेश्चन कि अगर क्वेश्चन आते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर से तो उसको आपको कैसे सॉल्व करना है। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज गिवन टू यू, कैलकुलेट द हाइड्रोलिसिस कॉन्स्टेंट वैल्यू एंड द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, ये दोनों हमें निकालना है फॉर द अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट के लिए। कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.001 मोलार, केबी वैल्यू दी है केडब्ल्यू, एंड दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन दिया है जिसमें आपको पीएच निकालना है 0.2 मोलार सोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड के लिए और केबी आपको दिया हुआ है। तो हम लोग फर्स्ट सॉल्व करते हैं, सो जस्ट टेक अ लुक। सो वेन एवर यू विल गेट द एनी न्यूमेरिकल यू हैव टू डिवाइडेड द एंटायर इक्वेशन इन टू द फाइव स्टेप। फर्स्ट आपको लिखना है कि जो भी मर्जी आपको गिवन डेटा वो आपको नोट डाउन करना है। सो जस्ट टेक अ लुक, के बी मुझे दिया है 1.8 इंटू 10^-5, के डब्ल्यू दिया है 1 × 10^-14, कॉन्सेंट्रेशन इज मेंशन 0.001 मोलर फॉर विच सॉल्ट अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, इतना ही दिया हुआ है। सेकंड हमें लिखना है यहाँ पे टू फाइंड आउट, फाइंड आउट क्या करना, हाइड्रोलिसिस कॉन्स्टेंट मतलब के एच, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का मतलब यहाँ पे अल्फा फाइंड आउट करना। अब नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला कौन सा यूज करना। अब फॉर्मूला के लिए हमें जो भी मर्जी गिवन सॉल्ट है उसका पहले तो टाइप पता होना जरूरी है कि सॉल्ट टाइप क्या है, बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन द सॉल्ट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला चूज करेंगे कि केच और अल्फा हमें कौन सा यूज करना है। अब केच और अल्फा वैल्यू पता होने के लिए हमें सॉल्ट का टाइप पता होना है, तो सॉल्ट का टाइप कैसे पता करेंगे, ये बहुत इजी ट्रिक मैं बताती हूँ। जब भी आपको कोई भी सॉल्ट मिले उसका पहले तो वाटर के साथ केमिकल रिएक्शन देखो क्या हो रहा है। सो वाटर के साथ अगर मैंने NH4Cl को कंबाइन किया, वॉट यू विल गेट, NH4OH प्लस आपको क्या मिलेगा, HCl। अब HCl तो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है ये पता है, तो अमोनियम क्लोराइड आपका क्या हुआ, वीक बेस, तो मिला कॉम्बिनेशन, बिकॉज HCl आगे जाके अगर वाटर के साथ आपका रिएक्ट होगा तो H प्लस है, ये Cl माइनस है बराबर, तो इसमें से H प्लस इसके साथ कंबाइन होगा और फिर से आपको क्या मिलेगा, जस्ट टेक अ लुक, तो HCl का आगे जाके रिएक्शन क्या होगा, H प्लस जो है प्लस Cl माइनस प्लस वाटर, देखो क्या रिएक्शन होगा, जस्ट टेक अ लुक, Cl माइनस से कंबाइन किसके साथ होगा यहाँ पे H प्लस के साथ, तो फिर से आपको HCl ही मिल रहा है और से रिमेनिंग क्या मिलेगा, H प्लस है जो कंबाइन होगा वो H माइनस के साथ तो H2O, तो इसका मतलब आगे जाके रिएक्शन होने वाला नहीं। ठीक है, तो ये रिएक्शन नहीं होगा, बट NH4OH जो है इसका देखो वाटर के साथ क्या रिएक्शन होगा, तो आपको फिर से मिलेगा यहाँ पे NH4 प्लस है OH माइनस, तो ये फिर से वाटर के साथ कंबाइन होकर वाटर मिलेगा और NH4 जो प्लस है वो किसके साथ कंबाइन होगा, माइनस के साथ, तो NH4OH, तो ये मिलेगा आपको अगेन हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। अब यहाँ पे देखो जो वीक बेस है स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्ट तो पता चला, अब वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए KH के आपका
के डब्ल्यू अपॉन के बी, अल्फा क्या है आपका के डब्ल्यू अपॉन के बी सी, तो ये आपको फॉर्मूला यूज करना है. सो सॉल्व टाइप हम लोगों ने लिया अल्फा इज इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन के बी सी, ये फॉर्मूला. पुट द वैल्यू, के डब्ल्यू हमारे पास है, के बी हमारे पास है, मल्टीप्लाई विद द कॉन्सेंट्रेशन टर्म. मेक इट सॉल्व, यू विल गेट फाइनल आंसर 7.4 इंटू 10^-4. अब के एच का फॉर्मूला क्या है फॉर द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस सॉल्ट के लिए, के डब्ल्यू अपॉन के बी, के डब्ल्यू के बी दिया है, डिवाइड करो, यू विल गेट दिस आंसर. फाइनली इन द लास्ट ऑप्शन आपको क्या करना है, राइट डाउन द रिजल्ट एंड टैबुलेट योर एंटायर डेटा एंड क्लोज इन द ब्रैकेट. सो द के एच एंड द अल्फा वैल्यू यू कैन इजिली कैलकुलेट. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, गिवन डेटा टू फाइंड आउट, put the formula, first identify the salt type, then calculation करो and finally lock down the your result. अगर आपको ये पूरा salt hydrolysis chapter properly समझ में आया, so this is the second numerical, you can solve and comment me your answer, ठीक है. So this is the homework, ठीक है. बट मैं एक नॉर्मल आपको ट्रिक देती हूँ कि ये सॉल्व कैसे करना है, बिकॉज ये पीएच का है, पीएच का अभी तक हम लोगों ने कुछ सॉल्व नहीं किया है. बट सपोज यू फाइंड एनी डिफिकल्टी तो मैं आपको सॉल्व करके दे रही हूँ आधा. सबसे पहले क्या लिखो, इसके लिए गिवन डेटा लिखो. अब यहाँ पे देखो गिवन डेटा क्या दिया है, कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.2 मोलर और के बी वैल्यू दिया है 1.8 × 10^-5, नोट डाउन. सॉल्ट दिया है अमोनियम क्लोराइड, वो लिखो. अब फाइंड आउट क्या करना है, पीएच, तो मैंने गिवन डेटा लिखा, टू फाइंड आउट लिखा. अब फॉर्मूला क्या है, सॉल्ट का टाइप फाइंड आउट करो. अमोनियम क्लोराइड कौन सा टाइप है यहाँ पे, HClNH4H, तो ये है आपका वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड. सॉल्ट का टाइप जैसे ही पता चलेगा, पुट द के एच वैल्यू, फाइंड आउट करो के एच, जैसे ही मिलेगा आप पीएच, पीएच कैलकुलेट करना है. इसका मतलब हमें क्या जरूरी है स्टूडेंट, एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन होना पता जरूरी है. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो फर्स्ट राइट डाउन द रिएक्शन, बिकॉज ए वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसमें से क्या होगा आपका, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड में से कौन सा आपका होगा, ये कैटोनिक हाइड्रोलिसिस होगा. मतलब क्या होगा, बिकॉज ए वीक बेस है ना, तो ये जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का तो आगे रिएक्शन नहीं होने वाला. तो ये क्या होगा आपका, NH4+ कंबाइन होगा वाटर के साथ, देन यू विल गेट यर वीक बेस. तो ये होगा आपका यहाँ पे जनरल केमिकल रिएक्शन, कंबाइन विद द वाटर NH4OH यू विल गेट यर एसिडिक सॉल्यूशन. तो ये आपको याद रखना है, जो मैंने ट्रिक आपको पहले इसमें बताई थी, दैट व्हाट यू विल गेट, अल्कलाइन, एसिडिक एंड न्यूट्रल. तो ये सॉल्ट बहुत चार्ट जरूरी है, जस्ट मेक अ नोट डाउन इट, ठीक है. तो फिर लिखो इनिशियली क्या होगा कॉन्सेंट्रेशन सबका, इसका होगा x, इसका होगा 0. आफ्टर सर्टेन टाइम कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है आपको, 0.2. जब एक इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से माइनस करोगे तो आपको इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा x एंड x. नाउ पुट ऑल द वैल्यू, मेक द कैलकुलेशन, देन फाइनली यू विल गेट x. x का मतलब यहाँ पे हमारा क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ h प्लस. तो x जैसे ही मिलेगा आपको, तो आपको यहाँ पे स्टूडेंट क्या मिला, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ h प्लस आपको मिला. देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ h प्लस की वैल्यू गिवन फॉर्मूला में डाल दो, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 h प्लस. पुट दिस वैल्यू, मेक द लॉग एंड यू विल गेट फाइनली वैल्यू 4.9. इसका मतलब है द नियरली आंसर कितना है आपका, 5. तो 5 इसका मतलब ये क्या है, एसिडिक इन सोल्यूशन. एंड देखो कॉम्बिनेशन आपका वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, व्हाट, वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, ये हमें देखना है और उसका हमें पीएच उस हिसाब से कैलकुलेट करना है, ठीक है. सो आई होप सो नाउ यू पीपल आर अंडरस्टूड. सो मेक इट अगेन कैलकुलेशन, डू इट योर सेल्फ, एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द सेम यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन, आई डेफिनेटली रिजोल्व योर ऑल द प्रॉब्लम्स, ठीक है. So once again student, thank you so much for watching this video. If you really like this video, so don't forget to subscribe us. Once again, thanks a lot. Like a Hellcat.